जिससे मुझे सुबह सुबह जागने के लिए चाय की ज़रूरत होती है, इसी बहुत सारे लोगों को कॉफ़ी की ज़रूरत भी पेश आती है। और जब कॉफ़ी आप पीते हैं तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं, कुछ कम पसंद करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज हम कॉफ़ी के फ़वाद पर, इसके नुकसान पर बात करेंगे। एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, किस हिसाब से आपने कॉफ़ी कंज्यूम करनी है, सब पे डिस्कशन करेंगे। और इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उस पर भी हम बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगी हमारी न्यूट्रिशनिस्ट जवेरिया महमूद। वेलकम टू द शो जवेरिया। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं मिला? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम टोटली फाइन। जवेरिया, आप कॉफ़ी लवर हैं? बिल्कुल, ब्लैक कॉफ़ी लवर हूँ। तो जवेरिया, फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह? आप ये देखिए, क्योंकि कॉफ़ी जो है जहाँ पे हार्ट रिस्क इशूज़ भी कम करती है, साथ ही साथ कोलोरेक्टल और डिफरेंट कैंसर्स में भी हेल्प आउट करती है। बेसिकली हम इसको कहते हैं कि समटाइम्स इट्स ओवर कैफिनेटेड एंड समटाइम्स इट्स लाइट कैफिनेटेड। कुछ लोग तो डिसीजन मेकिंग पावर के लिए कॉफ़ी को एज़ आ किकअप मील यूज़ करते हैं इन ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट के अलावा अगर बात की जाए तो आपने अक्सर देखा होगा जो बच्चे बहुत एग्जामिनेशन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन या इस दौरान भी कॉफ़ी का इस्तेमाल किया जाता है। पर साथ ही साथ जो कॉफ़ी के फ़ायदे हैं, और एक रीसेंट रिसर्च से ये बात सामने आई है कि जो कॉफ़ी है, जो लोग कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं वो उनकी नस्बत जो कंज्यूम नहीं करते वो लाइफ में और रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़्यादा एक्टिव होते हैं और ज़्यादा एक्टिवली परफॉर्म करते हैं। अच्छा, कॉफ़ी की भी तो टाइप्स होती है ना, ब्लैक कॉफ़ी है, कैपेचिनो है, मिल्क कॉफ़ी है, लाटे। हाँ, exactly, ये सारी चीज़ें हम उसको कर लेते हैं आगे फर्दर। तो कौन सी कॉफ़ी बेहतर है, और डाइट जो लोग करते हैं उनकी भी कॉफ़ी की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है, क्या वजह? बिल्कुल, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि अर्मिला, जैसे देखें यहाँ पे विंटर्स हैं, सर्दियाँ हैं, तो आप देखें जो कॉफ़ी में एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो कि आपको आपकी जो आपके फैट सेल्स हैं जो एडिपोज टिश्यू है उसको श्रिंक करता है। श्रिंक लाइक टू से दैट एक इंसान है, अगर हम उसको सिंपली अगर एक हेल्दियर वेट लॉस प्लान को शेयर करें यहाँ पे तो, और विंटर्स के हवाले से करें तो आप ये देखें कि जो आपके एडिपोज ब्राउन फैटी टिश्यूज़ हैं, इवन ही और शी इज़ 80 केजीज़ और 130 केजीज़ यानी 130 या 140 केजीज़ तक भी है, और वो तकरीबन 13 दिन रोज़मर्रा विदाउट मिल्क ब्लैक कॉफ़ी अगर यूज़ करते हैं, विदाउट मिल्क एंड वाइट शुगर ब्लैक कॉफ़ी यूज़ करें तो उससे उनका तकरीबन 8 to 10 केजी वेट रिड्यूस होता है विद द हाई प्रोटीन डाइट एंड विद नो कार्बोहाइड्रेट, विद नो कार्बोनेटेड बेवरेजेस, साथ ही साथ नो बेकरी आइटम्स टू। अब थिंग्स आर लाइक दिस कि आपको कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी सूट कर रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि बहुत से लोग, लॉट ऑफ पीपल हैव सो मेनी एलर्जीज विद द कॉफ़ी। आपको पता है अक्सर वो औकात लेते हैं और उनको स्टमक इश्यूज़ हो जाते हैं, डायरिया और इसके अंदर प्रॉब्लम्स ही हो जाते हैं। सो हमें इन तमाम चीज़ों को भी देखना होता है कि इसको कैसे कॉप अप करना है। ठीक हो गया। अच्छा जवेरिया, अब चाय और कॉफ़ी दोनों में कंपैरिजन तो हमेशा से होता आता है, जो चाय के शौकीन होते हैं कहते हैं जी क्या मज़ा चाय में, वो और कॉफ़ी वाले कहते हैं नहीं ये बहुत वो है। अच्छा, तो दोनों में से बेहतर क्या चीज़ है, कि आप कितना उसकी क्वांटिटी जो है वो ले सकते हैं, चाहे वो कॉफ़ी है चाहे वो चाय है? बेसिकली आप देखिए कि अर्मिला, हमारे ऑफिसेस से लेके घरों में इट्स लाइक एन ओल्ड ट्रेडिशन जो चाय का इस्तेमाल है, और चाय के इस्तेमाल से बिल्कुल हम इन भी इनकार नहीं कर सकते, पर हम हमेशा यही बात करते हैं कि ऑलवेज टेक थिंग्स इन द मॉडरेशन, लाइक टू से दैट जब हम इतदाल में चलते हैं, जब हम उसको बैलेंस करके चलते हैं तो हम बहुत सी बीमारियों से, चीज़ों से बचे रहते हैं। पर ऑन द अदर साइड ब्लैक कॉफ़ी की बात की जाए तो आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा भी इंटॉक्सिकेटेड नहीं करना, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी की एक मुकर्रा मिकदार, लाइक टू से दैट 50 ml इज़ फाइन फॉर अ डे, एक दिन के लिए काफ़ी है। पर अगर आपने 12 से 13 दिन कंज्यूम कर लिया वेट लॉस के लिए, पर आप उसको कंटिन्यूटी में ना लेके जाएं, क्योंकि ये ना हो कि आपकी बॉडी में आप बहुत ज़्यादा वेट लॉस में मेलनॉरिश्ड हो जाएं, आपको कोई ना कोई और बीमारी हो जाए। आइदर के कुछ लोगों के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, उनके T3 T4 जो हार्मोन्स हैं वो, उसके अलावा पीकॉस के इशू होता है, और स्पेसिफिकली वो खवातीन जिनका वेट बहुत ज़्यादा गेन है और वो कहती हैं हम क्या ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, उनका अक्सर रिक्वेस्ट होता है, तो उनके लिए मेरा है कि उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है ब्लैक कॉफ़ी का, या मिल्क कॉफ़ी या ब्लैक कॉफ़ी, दोनों चीज़ें ठीक नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी डिजीज़ हैं, कुछ ऐसी बीमारियाँ जिनमें हमें कुछ खुराक मना होती है, अगर हम बीमारी नहीं ठीक करेंगे तो वेट लूज करना, वेट गेन करना, ये तो इज़ अनदर इशू ना। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी बॉडी को इम्यून करें कि आप बीमारियों के खिलाफ जो है आपकी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी हो कि रेजिस्टेंट पैदा हो सके, और साथ ही साथ जो मतलब क्योंकि आजकल विंटर्स हैं और मौसम सरमा की मुनासबत से जो है ब्लैक कॉफ़ी और मिल्क कॉफ़ी का इस्तेमाल भी होता है, कई जगहों पे होता है,
पर मेरे ख्याल से इसको तकरीबन 2 कप से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अच्छा समटाइम्स लोग खाली पेट भी कॉफ़ी पीते हैं ना, बेड टी के तौर पे ब्लैक कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं, वो किस नहीं नुकसानदेह है वो? बेसिकली अर्मिला आपको मे बी याद हो, हमने पहले भी ऐसे डिस्कस किया था कि आप जब एम्प्टी स्टमक कुछ भी आप कंज्यूम करते हैं, बहुत गर्म कैफिनेटेड यानी बहुत हॉट ड्रिंक्स जो होती हैं या कैफिनेटेड होती हैं और साथ ही साथ बहुत एक्सट्रीम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, ये तीनों चीज़ें डायरेक्टली आपके स्टमक को हर्ट करती हैं। तो हमें अपने आप को ये देखना कि अवर बॉडी इज़ लाइक अ टेम्पल नॉट अ ट्रैश कैन, कि आप इसमें कुछ भी डालते जा रहे हैं और किसी वक्त भी डाल रहे हैं। हमेशा आपने जब भी कोई ना कोई अगर कॉफ़ी इवन कंज्यूम करनी है, कोई भी खाना कंज्यूम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर कि उसकी थोड़ी सी बेस लाइन थोड़ा सा उसका पीएच न्यूट्रलाइज हो जाए। हर इंसान का एक अपना पीएच होता है, किसी का 4 होता है, 7 इज़ द एक्चुअल पीएच। तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा कॉफ़ी क्या बालों के लिए भी कुछ अच्छी होती है? मुझे देख रही थी, बिल्कुल नेल हेयर और बोन डेवलपमेंट के लिए इट्स फाइन, बट थिंग्स आर लाइक दिस के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो खवातीन अगर ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करें तो उनके लिए बेहतर नहीं, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से वेट लूज़ करती है और आपके असेंशियल फैट्स भी कहीं ना कहीं बर्न आउट करती है। पर अब वो खवातीन या वो लड़कियाँ जिन्होंने जिनको मतलब कंसेप्शन प्रॉब्लम्स हैं या जिनको हेल्दी फैट्स चाहिए उनकी बॉडी में, अगर वो अपना वो फैट भी डिस्कार्ड कर देंगी विद द इनटेक ऑफ वेरी क्रैश डाइट और द ब्लैक कॉफ़ी समथिंग लाइक दिस, तो उनके लिए हेल्दी नहीं।